हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए बैंकिंग की दुनिया की, बिजनेस की दुनिया की वो सारी की सारी तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्टेड होती है। तो दोस्तों, आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दोस्तों, क्या आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं? और किसी भी बैंक का क्यों, अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप लोन कैसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस है। मैं सारी की सारी चीजें आपको लाइव बताने वाला हूँ और यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी अगर आपको रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि आपको बताऊंगा, कई सारे बैंक हैं जो कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे HDFC बैंक भी अपने कस्टमर्स के लिए 5 मिनट में लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि लोन आपको कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं HDFC बैंक की तरफ से। दोस्तों, यहां पे आपको दो प्रकार के लोन देखने को मिलते हैं। पहला लोन होता है इंस्टा लोन और दूसरा होता है इंस्टा जम्बो लोन। तो आप में दोनों में से कोई सा भी आप लोन ले सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है। 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपको लेना है तो इंस्टा जम्बो लोन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हैं थोड़ा सा लोन 50-60 हजार रुपए का या फिर 1 लाख रुपए से नीचे तो आप यहाँ पे इंस्टा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जाकर के चेक करना होगा, ये मोबाइल एप्लीकेशन से लोन आपको नहीं मिल सकता। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको इसके लिए कंप्यूटर पे लॉगिन करना होगा नेट बैंकिंग एंड पासवर्ड के थ्रू, उसके बाद जाकर के आप आगे का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑनलाइन जाना होगा। ऑनलाइन जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने शो होगी और वहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके कार्ड वाले सेक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड वाला सेक्शन है। कार्ड वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी आपके सामने। उस विंडो के अंदर कई सारी ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको क्रेडिट कार्ड चूज करना है। क्रेडिट कार्ड चूज करने के बाद जैसे ही आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बता दिया था कि दो प्रकार के लोन होते हैं, एक तो इंस्टेंट लोन होता है या फिर इंस्टा लोन कहते हैं उसको, या फिर होता है एक जंबो लोन जो आप ले सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन के आपको यहाँ पे लोन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसके बाद जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट लोन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप जंबो लोन लेना चाहते हैं तो जंबो लोन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और वहां पे अगर आप एलिजिबल हैं तो वहां पे आपको अमाउंट शो हो जाएगा। जैसे यहां पे आपको अमाउंट शो हो रहा है इसी तरीके से आपको भी अमाउंट शो हो जाएगा और इस अमाउंट को शो करने के बाद आप यहां पे बड़ी ही आसानी से देख सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपको इतना ही अमाउंट शो होगा, जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं उतना अमाउंट आपको वहां पे शो होगा और उतना अमाउंट का लोन आपको मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ आ जाएगा, वहां पे आप इसका मतलब इस लोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जितना लोन यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही लोन आपको लेना है, इससे कम लोन लेना चाहते हैं तो इससे कम भी लोन ले सकते हैं और इससे ज्यादा आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ही बैंक ने थ्रेशोल्ड रखा है आपके क्राइटेरिया के ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर, अभी आपको बैंक इतना ही लोन प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें, अगर आपको इससे कम अमाउंट चाहिए तो अमाउंट फिल कर सकते हैं। उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है जो कि होता है टेन्योर का। अब दोस्तों, अगर टेन्योर आप चूज करना चाहते हैं तो टेन्योर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, 12 महीने, 24 महीने या फिर 18 महीने या इससे भी ज्यादा। दोस्तों, मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आप टेन्योर खुद ही चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पर्सनल लोन का टेन्योर जितना कम होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा बैंक को। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी सिंपल सुपर वीडियो जो कि मैंने आपको बनाई है HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।